जय हिंद। आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज आप सभी के बीच और हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन राइटर सोनू संगम जी मौजूद है। आइए इनसे कुछ भोजपुरी को लेकर कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैसे है सर? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा ये बताइए, आपके जो मौजूदा गाना आपने लिखा था, क्या सोच के लिखा था? पहले दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुनाइए। तिलक मजन के चढ़ता है साखी, दराद दिलावा में बढ़ता है साखी। अच्छा सर, ये गाना क्या सोच रही है? बस कुछ सोच तो नहीं लिखे थे, ऐसे ही मतलब कि। अच्छा एक बात होती है, भोजपुरी में काफी लोग सिंगर बनने का कोशिश करते हैं, अब राइटर कहाँ बने? किसी राइटर पर भरोसा नहीं रह गया था कि आपके लिए गाना लिख पाएंगे? नहीं ऐसा बात नहीं है, अपना अपना एक हॉबी होता है जो मतलब पहले से ही भगवान के अंदर कहा देता है कि राइटर बनेंगे सिंगर बनेंगे, जो पॉलिटिक होता है अंदरूनी टैलेंट। हाँ स्टार्टअप से तो हम अपने अंदर को पहचान ही कर रहे हैं, हम राइटिंग मतलब कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि भोजपुरी में आपने काफी बड़े बड़े स्टारों के लिए गाना लिखा है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है? ये प्रोजेक्ट बहुत आने वाला है, ओपन नहीं कर सकते हैं इसलिए। हाँ सबके साथ काम होगा, सबसे मिलकर काम होगा। नाम बता दीजिए, गाना मत बताइए क्योंकि गाना तो वैसे भी है। प्रमोद भैया, अंकुश भैया भी और भी अदरवाइज कलाकार हैं, जो अविनाश भैया है, तूफान जी है, सबके साथ हम मिलकर काम करते हैं। अच्छा किसी फिल्म में बड़ा कोई फिल्म हो उसमें आपका लिखा होगा ना? हेलो फिल्म में तो नहीं लिखे हैं, बट आया था एक बार ऑफर, थे पटना में गए थे हम अपना गीत का शूटिंग कराने के लिए सीपी जी से, तो उसी समय भैया थे बोले कि आप फिल्म के लिए काम कीजिए, तो हम बोले ठीक है करेंगे, बट मतलब उधर का हमको मतलब अजीब सा लगा इसलिए हम नहीं गए। अच्छा आप यहाँ पर जहाँ अभी संगम स्टूडियो मौजूद है, यहाँ पर आने का पर्पस? यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमको रहना, काम भी यहाँ पर अच्छा से होता है, हम लोग को मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग मतलब यहाँ से काम करवाते हैं। अच्छा आपके दर्शकों के लिए एक छोटा सा गीत हो जाएगा। राइटर के पास अगर गीत का कमी हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? कमी का बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एक अभी हाल ही फिलहाल में बज रहा है गाना कास्टे वाली, बहुत मतलब हम गा रहे हैं उसको। बाजनी दहल गोरी तो सरक के बल प आई पसवान टांगी ने बिराई फल प, जो कि तूफान जी ने गाए थे, इस मतलब लगन का सबसे सुपर डुपर हिट था, मतलब कास्ट वाइज गीत है बट मतलब अच्छा आया ना किसी के बारे में। अच्छा ये बताइए कास्ट वाइज गीत है तो क्या हम कास्ट पर सवाल करें कि ना करें? मतलब ये कास्ट पर सवाल का मतलब कोई स्टार्टअप के लिए कुछ भी गाता है और मतलब जो जिसका फैन है वो अपने फैन के लिए गाता है, और कोई बात नहीं है, किसी का दिल दुखाना मतलब नहीं, ठीक है। अपना कोई भी है, आप टुनटुन यादव भी है गाते हैं अपने फैंस के लिए, जो यादव फैंस है वो फैंस बरकरार रहे, बट वो सबके लिए भी गीत गाता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही गीत आया है, अच्छा अच्छा भी कास्ट वाइज छोड़कर भी आया है, बहुत सारे गीत हैं। तो आपके अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आने वाले हैं? जी 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 आ रहा है प्रोजेक्ट। आप अपने दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शकों के लिए बोलेंगे कि भैया सपोर्ट कीजिए हम लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भैया का भी चैनल है, कौन सा चैनल है? हेडलाइन भोजपुरी, जो कि भैया का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भैया बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, अगर भैया से गाना आपको लेना है तो ये यहाँ पर संगम स्टूडियो में संपर्क करें सर। जी 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 यहाँ पर संपर्क करें, यहाँ पर बहुत सारे राइटर बहुत ही बेहतरीन राइटर बैठते हैं, आपके लिए जरूर एक अच्छा से अच्छा गीत जरूर लिखेंगे। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन सहयोगी संदीप दीवाना के साथ आपका बैठे जाए।